नमस्कार, नीतिकर कलाकृति में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चनों से चिनमानी। ये बहुत ही अनकॉमन बट ट्रेडिशनल डिश है। इसके लिए आपको चाहिए काले चने, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, घी या तेल, दही या बटर मिल्क यानी छाछ। तड़के के लिए आपको चाहिए घी, साबुत लाल मिर्चें और देगी मिर्च। पहले आप काले चनों को नमक डाल के उबाल लीजिए। अब उबले चनों में से एक कटोरी चने अलग कर लीजिए और बाकी चनों को मिक्सर में डालकर पीस लीजिए। इनको पीसते हुए आप इसी का ही पानी इस्तेमाल करें और एक फाइन पेस्ट बना लें। कढ़ाई में घी गरम कीजिए। घी गरम होने पर इसमें हींग डालिए। जब हींग भुनने लगे तब इसमें धनिया पाउडर डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, नमक हल्का डालिए और गरम मसाला डालिए। और अब ये जो पेस्ट है इसको इसमें डाल दीजिए। ध्यान रहे, नमक हम उबलने में भी डाल चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम कम डालेंगे। इस पेस्ट को करीब 2-4 मिनट स्टिर फ्राई कीजिए। अब इसमें जो उबले चने थे वो भी मिला दीजिए, साबुत चने, और इसे फिर 2-3 मिनट पकाइए। अब दही को बीट कीजिए या फिर छाछ को बीट करके इसमें डाल दीजिए और इसे हिलाते रहें। ध्यान रहे, अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो दही इसके अंदर फट जाएगा। अब इसमें उबाल आने दें और इसे पककर गाढ़ा होने दीजिए। इसे करीब 10-15 मिनट पकने दीजिए। जब ये थोड़ी गाढ़ी होने लगे तब आप गैस बंद कीजिए, क्योंकि ये रखने के बाद भी गाढ़ी होती है यानी कि थिक हो जाती है, इसलिए इसे पहले से ही ज्यादा थिक ना करें। अब एक छोटे पैन में घी लीजिए और उसमें 2 साबुत मिर्चों को रोस्ट कीजिए। जब ये दोनों मिर्चें भुन जाएं तब पैन को घी से हटाइए और इसमें देगी मिर्च डाल दीजिए और इस तड़के को अपनी चिनमानी के ऊपर डालिए। आपकी चिनमानी बिल्कुल तैयार है। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बाकी के वीडियोस भी इसी में आगे लिंक दिए हुए हैं, उन्हें जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।